नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की उदया तिथि चतुर्थी और शुक्रवार का दिन है। चतुर्थी तिथि आज दोपहर 3:32 तक रहेगी। आज रात 8:03 तक शुक्ल योग रहेगा, साथ ही आज शाम 4:40 तक सर्वार सिद्धि योग भी रहेगा। इसके अलावा आज शाम 4:40 तक पुनर्वस नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर, आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्ती किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिषीय गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जैत योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 3 दिसंबर की शाम 7:28 से रात 9:36 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज यह योग सुबह 6:30 पर शुरू हो गया था और शाम 4:40 तक रहेगा। और इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त शाम 4:55 से रात 9:05 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 11 दिसंबर की सुबह 7:34 से सुबह 7:40 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए भी आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 2 दिसंबर की सुबह 6:57 से सुबह 8:07 तक, और एक बार फिर सुबह 10:11 से दोपहर पहले 11:54 तक भी रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 2 दिसंबर की सुबह 6:57 से सुबह 8:07 तक रहेगा, और एक बार फिर सुबह 10:11 से दोपहर पहले 11:54 तक भी रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शाम 4:55 से रात 9:05 तक रहेगा। और जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शाम 4:40 से रात 10:56 तक, और एक बार फिर देर रात 1:13 से कल सुबह 6:57 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शाम 4:25 से रात 10:56 तक, और एक बार फिर देर रात 1:13 से कल सुबह 6:57 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है, इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज रात 11:47 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन कर्क, सिंह, धनु और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 10:51 से दोपहर 12:09 तक। मुंबई दोपहर पहले 11:04 से दोपहर 12:27 तक। चंडीगढ़ सुबह 10:53 से दोपहर 12:11 तक। लखनऊ सुबह 10:35 से दोपहर पहले 11:54 तक। भोपाल
सुबह 10:47 से दोपहर 12:08 तक, कोलकाता सुबह 10:03 से दोपहर पहले 11:25 तक, अहमदाबाद दोपहर पहले 11:06 से दोपहर 12:27 तक, और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 10:31 से दोपहर पहले 11:57 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो शुभ दिशा है पश्चिम। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि। मेष राशि वालों, आपका दिन आज ठीक रहेगा। इस राशि की महिलाओं के लिए आज का दिन राहत से भरा है। ऑनलाइन शॉपिंग में समय बिता सकती हैं। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को आज किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब के लिए कॉल आ सकती है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। घर के कामों में परिवार के लोग सहायता करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक का सामान खरीदना चाहते हैं तो आज खरीद सकते हैं। आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा। किसी कोर्ट केस का फैसला आज आपके पक्ष में आएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 4। वृष राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है। आज आपके चंचल स्वभाव के कारण लोग आपसे प्रभावित होंगे। आज बेहतर होगा आप बड़ों की राय को सुने और उसको माने। अगर आप वाहन खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए। लंबे समय से सोचा हुआ कार्य आज पूरा हो जाएगा, जिसके प्रभाव से आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार आएगा। आज बॉस आपके कार्यों को देखकर आपकी प्रशंसा कर सकते हैं। माता के साथ धार्मिक स्थल पर जाएंगे। छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 1। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा है। पुराने किए गए कार्यों की प्रशंसा होगी। आज अपने उच्चाधिकारी के सामने बात रखने पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। महिलाएं अपने जीवन साथी को आज कुछ मीठा बनाकर खिला सकती हैं। दोनों के बीच रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। स्वास्थ्य आज पहले से काफ़ी अच्छा रहेगा। आर्किटेक्चर से जुड़े लोगों की को अच्छी जॉब का ऑफर मिल सकता है। पिता बच्चों के साथ समय बिताएंगे। आज आपको अपनी सेहत का खास ध्यान रखने की जरूरत है। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 3। कर्क राशि वालों, आज आप परिवार वालों के साथ समय बिताएंगे। घर में खुशी का माहौल बना रहेगा। इस राशि के व्यापारी वर्ग को आज अचानक कोई बड़ा फायदा हो सकता है। टेंट हाउस वालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। पुराना रुका हुआ पैसा आज वापस मिलेगा। आर्थिक पक्ष पहले से मजबूत रहेगा। स्वास्थ्य फिट रखने के लिए फल खाएं, फायदा मिलेगा। धार्मिक कार्यों में मन लगाने से आपको मानसिक शांति मिलेगी। घर के बड़ों का सहयोग आपको मिलता रहेगा। छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। सफलता मिलने के योग बने हुए हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 6। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। आज आपके सारे काम आसानी से हो जाएंगे। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। साइंस से जुड़े बच्चों को अच्छी जॉब का ऑफर मिल सकता है। बिजनेस के सिलसिले में दोस्त के साथ बाहर जा सकते हैं। लवमेट्स आज कहीं घूमने जाएंगे। आज आपका दाम्पत्य जीवन शानदार रहने वाला है। जीवन साथी प्रसन्न होने की वजह देंगे। नन्हे मेहमान के आने से घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। छात्र किसी प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म भरने का मन बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 4। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके अनुकूल रहने वाला है। परिवार के सभी सदस्य मिलकर आज मनोरंजक गतिविधियों का आनंद उठाएंगे। इस राशि के व्यापारी वर्ग को आज अचानक कोई बड़ा फायदा हो सकता है। आज आपके व्यापार में वृद्धि होने के योग बने हुए हैं। आर्थिक पक्ष पहले से मजबूत बना रहेगा। बिना वजह घर के किसी सदस्य पर गुस्सा न करें। आज भाई बहन के साथ गेम खेलने का प्लान करेंगे। आज आप कई दिनों से रुके हुए कार्य को पूरा करने में सफल होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 9। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। बिजनेस में अचानक कहीं से धन लाभ होगा। इससे आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। आज कोई भी काम माता पिता का आशीर्वाद लेकर शुरू करेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। आज जरूरतमंद की मदद करेंगे।
लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, समाज में आपका नाम होगा। आज किसी काम को करने में जल्दबाजी ना करें, अन्यथा वो काम दोबारा करना पड़ सकता है। छात्र आज अपना प्रोजेक्ट पूरा करने में सफल होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 5। वृश्चिक राशि वालों, आज के दिन भाग्य आपका पूरा साथ देगा। अगर आप नई जमीन लेने का प्लान बना रहे हैं तो घर के बड़ों की राय जरूर ले लें। इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है। सफलता मिलने के योग बने हुए हैं। लवमेट्स आज एक दूसरे को उपहार देंगे, इससे रिश्ते में मधुरता बनी रहेगी। शाम को परिवार के साथ किसी जरूरी मामले पर बहस होगी। बाहर रहकर जॉब कर रहे लोगों को आज अपने परिवार वालों से मिलने का मौका मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 8। धनु राशि वालों, आज आपको मेहनत का फल जरूर मिलेगा। कई दिनों से चल रही कड़ी मेहनत आज रंग लाएगी। आज आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है जिसे आप बखूबी निभाएंगे। आज किसी कार्य को पूरा करने के लिए आसपास के कई लोग आपको सलाह देंगे। जीवन साथी पर भरोसा बनाए रखें, रिश्ते मजबूत होंगे। सेहत के लिहाज से आज आप ठीक ठाक रहेंगे। आज कई दिनों से चल रही कोई पारिवारिक समस्या समाप्त होगी, घर में खुशहाली बनी रहेगी। स्टेशनरी का कारोबार कर रहे लोगों को आज उम्मीद से ज़्यादा लाभ होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 6। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। इस राशि के इंजीनियर्स के लिए आज का दिन फायदा देने वाला है। करियर में आए उतार चढ़ाव से आज आप निपटने में सक्षम होंगे, लेकिन किसी अनुभवी सीनियर की मदद से आपको थोड़ी राहत मिलेगी। आज घर में बच्चों के साथ आपका ज़्यादा टाइम बीतेगा। माता पिता बच्चों को कोई अच्छी सलाह भी दे सकते हैं। छात्रों को आज ऑनलाइन कुछ नया सीखने को मिलेगा। व्यापार को आगे बढ़ाने में पिता का सहयोग आपको प्राप्त होगा। आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 5। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है। आज आपके सामने कई चुनौतियां भी आएंगी, लेकिन आप इनका डटकर मुकाबला करने में सफल होंगे। इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन सफलता दिलाने वाला साबित होगा। करियर संबंधी चुनाव करने के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। सेहत के प्रति आज आपको सतर्क रहना होगा। लवमेट्स के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। नव विवाहित दंपति के लिए आज का दिन अच्छा है, मूवी देखने का प्लान बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 8। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। नौकरी कर रहे लोगों को पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। ऑफिस में क्रियाशीलता के लिए आपको सम्मानित किया जाएगा। आप बहुत एक्टिव रहेंगे। पहले से चल रही किसी दोस्त से अनबन आज समाप्त हो जाएगी। आज परिवार वालों के साथ घर पर स्वादिष्ट डिनर का प्लान बना सकते हैं। आज आपके जीवन में चल रही सारी समस्याओं का हल निकल आएगा। महिलाएं आज घर के कामों में बिजी हो सकती हैं, बच्चे उनकी मदद करेंगे। आज योग करने से सेहत अच्छी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 9। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज सिर पर टोपी या पगड़ी पहने, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो किसी जरूरतमंद को आटा दें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, दाम्पत्य जीवन में बड़ी खुशखबरी मिलेगी जिससे परिवार में खुशी का वातावरण रहेगा। मूलांक 2, आज संतान से आर्थिक रूप से मदद मिलेगी, पुरानी आर्थिक परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मूलांक 3, फैशन डिजाइनर्स को आज कोई बड़ा ऑर्डर मिलेगा जिससे आपका दिन उत्साहित रहने वाला है। मूलांक 4, आपके भाई किसी कार्य को करने में आपकी मदद लेंगे, आप उन्हें निराश नहीं करेंगे। मूलांक 5, कपड़े का कारोबार कर रहे लोगों को आज अच्छा लाभ होगा, आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी। मूलांक 6, आज ऑफिस के दोस्त आपके घर आएंगे जिससे आपको बहुत खुशी होगी। मूलांक 7, बिल्डर्स को आज किसी बड़े कॉन्ट्रैक्ट से अच्छा लाभ होने वाला है। मूलांक 8, अपने परिवार के साथ पिकनिक पर जा सकते हैं जिससे रिश्तों में मधुरता आएगी। मूलांक 9, शॉपिंग मॉल में जॉब कर रहे लोगों की सैलरी में इंक्रीमेंट होगा, कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे अन्य चीज़ों के उपहार में मिलने या किसी को उपहार में देने के बारे में।
वास्तुशास्त्र के अनुसार आप किसी शुभ प्रसंग में, किसी कार्यक्रम में हाथी का जोड़ा गिफ्ट के रूप में दे सकते हैं। ये बड़ा ही शुभ होता है। आप सोने, चांदी, लकड़ी का हाथी या अन्य लकड़ी से बनी कोई चीज़ गिफ्ट में दे सकते हैं। अगर आप किसी को उपहार के रूप में चांदी की कोई चीज़ गिफ्ट में देते हैं या आपको किसी से गिफ्ट के रूप में मिलती है तो ये बहुत ही मंगलमयी माना जाता है, और अगर वो चांदी का सिक्का हो तो और भी अच्छा माना जाता है। इससे लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है और आप आर्थिक रूप से समृद्ध होते हैं। इन सब के अलावा किसी को फूल गिफ्ट में देना भी बड़ा शुभ माना जाता है। फूल प्यार और सौंदर्य के प्रतीक माने जाते हैं, इसलिए किसी को फूल देने या किसी से पाने पर आपसी प्यार बढ़ता है। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा उपहार में मिलने या किसी को उपहार में देने के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की उदय तिथि चतुर्थी और शुक्रवार का दिन है। चतुर्थी तिथि आज दोपहर 3:32 तक रहेगी। आज रात 8:03 तक शुक्ल योग रहेगा। शुक्ल पक्ष का नाम तो आपने सुना ही है। जब तक आसमान में बढ़ता हुआ चांद दिखाई देता है तब तक शुक्ल पक्ष होता है, अतः इस योग को मधुर चांदनी की तरह ही माना गया है। अर्थात जैसे चांदनी की किरणें स्पष्ट बरसती हैं वैसे ही कार्य में सफलता जरूर मिलती है। इस योग में गुरु या प्रभु की कृपा अवश्य बरसती है तथा मंत्र भी सिद्ध होते हैं। साथ ही आज शाम 4:40 तक सर्वार सिद्ध योग रहेगा। इस योग में किए गए कार्य सफल होते हैं। सर्वार सिद्ध योग में नए कारोबार की शुरुआत करना, किसी प्रकार की शिक्षा ग्रहण करना, नई नौकरी पर जाना, गृह कार्य प्रारंभ करना जैसे काम किए जा सकते हैं। सर्वार सिद्ध योग में किए गए सभी कार्य पूरे होते हैं और ये शुभ फलदायी भी होते हैं। इसके अलावा आज शाम 4:40 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से पुनर्वसु को सातवां नक्षत्र माना जाता है। पुनर्वसु शब्द का अर्थ, इस शब्द का अर्थ समझने के लिए सबसे पहले हमें वसु शब्द के अर्थ को समझना होगा। वसु को उपदेवताओं के समान माना जाता है और वसु अपने काम में शुभता, उदारता, धन तथा सौभाग्य के स्वामी हैं। अतः पुनर्वसु नक्षत्र भी धन और सौभाग्य का सूचक है। इसका अर्थ है पुनः धनी या सौभाग्यशाली होना। इस नक्षत्र में जन्मे जातक भी सौभाग्यशाली होने के साथ ही धार्मिक प्रवृत्ति के, अच्छे स्वभाव वाले, प्रभावशाली और दयालु प्रवृत्ति के होते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और इसकी राशि मिथुन है। साथ ही इसका संबंध बांस के पेड़ से है और जिस नक्षत्र का संबंध जिस पेड़ से होता है उस नक्षत्र में जन्मे लोगों को उस नक्षत्र से संबंधित पेड़ की उपासना जरूर करनी चाहिए। लिहाजा जिन लोगों का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को पुनर्वसु नक्षत्र के दौरान बांस के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही आपको बता दूं कि पुनर्वसु नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह बाणों से भरे हुए तरकश को माना जाता है। जिस प्रकार बाण का काम अपने लक्ष्य को भेदना होता है उसी प्रकार पुनर्वसु नक्षत्र अपने प्रभाव में आने वाले व्यक्ति के सौभाग्य को सुनिश्चित करता है। अतः अगर आप भी अपने सौभाग्य को सुनिश्चित करना चाहते हैं और अपनी हर मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं तो आपको पुनर्वसु नक्षत्र से जुड़े कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। तो ये थी शुक्ल योग और पुनर्वसु नक्षत्र की चर्चा। और आज शुक्रवार का दिन है। आप जानते हैं कि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का माना जाता है, लिहाजा अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, अपने बिजनेस में लाभ सुनिश्चित करने के लिए, जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान निकालने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। अगर आप अपने जीवन में सुख बनाए रखना चाहते हैं तो इसके लिए आज के दिन बाजार से माँ लक्ष्मी की कमल के फूल पर बैठी हुई तस्वीर लाएं और अपने मंदिर में स्थापित करें। इसके बाद देवी माँ को सबसे पहले पुष्प अर्पित करें, फिर धूप दीप आदि से उनकी पूजा करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में सुख बना रहेगा। अगर आप अपने सौभाग्य में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो इसके लिए आज के दिन 1 रुपए का सिक्का लीजिए और उसे अपने मंदिर में माँ लक्ष्मी के आगे रख दें। आप सबसे पहले माँ लक्ष्मी की उचित प्रकार से पूजा अर्चना करें, फिर उस सिक्के को भी उसी प्रकार से पूजा करें
और आज पूरे दिन उसे मंदिर में ही रखा रहने दें। अगले दिन इस सिक्के को उठाकर एक लाल कपड़े में बांधकर अपने पास रख लें। आज के दिन ये उपाय करने से आपके सौभाग्य में बढ़ोतरी होगी। लेकिन सिक्का इस्तेमाल करने के पहले एक बात ध्यान रखिएगा, सिक्का लेते समय पहले उसे लेकर वॉश बेसिन पर जाइए, साबुन और पानी से कायदे से धोइए 2-3 बार, फिर गंगा जल से धोइए और तब इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको बार बार भूलने की आदत हो गई है और आप कहीं भी कोई चीज़ रखकर भूल जाते हैं, तो आज के दिन आपको शाम के समय चंद्रदेव को प्रणाम करना चाहिए और चांदी का चंद्रमा धारण करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके बार बार भूलने की आदत में जल्द ही सुधार देखने को मिलेगा। और अगर आप एक सुंदर स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको जामुन का पेड़ लगाना चाहिए, उसकी जड़ में पानी डालना चाहिए। अगर आपके लिए आज के दिन जामुन का पेड़ लगाना संभव न हो, तो आज के दिन आपको पेड़ लगाने का संकल्प लेना चाहिए और जितनी जल्दी आपको मौका मिले पेड़ जरूर लगाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपका एक सुंदर स्वस्थ जीवन आप जिएंगे। देखो, बार बार कहा जाता है एक वृक्ष 10 पुत्र बड़ा, 100 पुत्र बराबर, और ये मतलब उसको एग्जेजरेट करते हैं। कुल मिला के ह्यूमन रेसेस डू रियलाइज कि उन्होंने बहुत सी वनस्पति उड़ा दी है पृथ्वी से, और उस वनस्पति के पृथ्वी पर पुनर्स्थापना में आने वाले बहुत कई 100 साल लग सकते हैं। इसलिए अगर प्रोत्साहित करें कि हर आदमी एक पेड़ लगाए, हमारी पुरानी संस्कृति में तो प्रोत्साहन था ही, लेकिन अभी और प्रोत्साहित करें तो और बढ़िया बात बन जाएगी। अब प्रश्न है कि हम भारतीय हर काम को, वो है ना, एक कोई बड़ा मशहूर होटल है जो जिसका वो उसका स्पिरिट है समथिंग एक्स्ट्रा, कुछ ज़्यादा देना चाहते हैं, तो भारतीय संस्कृति जो है समथिंग बेटर करना चाहती है, तो ढूंढती है कि इसी काम को करने के लिए कौन सा समय सबसे शानदार है, सबसे बढ़िया है। तो अब अगर आपको जामुन का पेड़ लगा, जो अथर्वेद में एक लिस्ट दी हुई है कि किस नक्षत्र से किस बॉटनी का संबंध है, उस नक्षत्र में पैदा आदमी को उस बॉटनी का सेवन नहीं करना चाहिए, बाकी लोग कर सकते हैं। अब उसी नक्षत्र में पैदा आदमी अगर उस नक्षत्र में जामुन का पेड़ लगा ले, तो उसके लिए अमृत तुल्य हो जाएगा। जैसे जैसे जामुन का पेड़ बढ़ेगा, उसको आनंद मंगल होता जाएगा। अब प्रश्न है बाकी लोग क्या करेंगे, नक्षत्र तो 27 हैं, एक ने लगा लिया, बाकी 26। सर, आपको भी फायदा करेगा। किसी दिन हम ये भी सोचते हैं, देखो वो 100% सभी लोगों को फायदा करेगा ऐसा नहीं, लेकिन अधिकांश लोगों को लाभ होगा। जामुन के पेड़ से किस व्यक्ति को क्या मिलेगा, जामुन का पेड़ लगाने के लिए किस व्यक्ति को क्या मिलेगा, क्या नुकसान होगा, वो तो रेशियो 6 या 7% हार्डली निकलेगा, लेकिन अधिकांश 93% फायदे का रेशियो है। अगर कुछ दिनों से आपकी माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, तो आज के दिन आपको शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल में दूध मिलाकर अर्पित करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी माता का स्वास्थ्य जल्द ही ठीक हो जाएगा। अगर आपके जीवन साथी के मन में किसी न किसी बात को लेकर एक अजीब सी स्थिति बनी रहती है, वो हर चीज़ को शक की नज़रों से देखते हैं, तो आज के दिन आपको उनके हाथों से मोती का दान कराने से जल्द ही उनकी स्थिति में आपको सुधार देखने को मिलेगा। और अगर आपके ऊपर काम का भार बहुत ज़्यादा रहता है, बोझ बहुत ज़्यादा रहता है, जिससे आपको मानसिक रूप से तनाव भी बना रहता है, तो आज के दिन आपको 2 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको तनाव से मुक्ति मिलेगी और आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। अगर आपके घर में जल्द ही कोई मांगलिक कार्यक्रम होने की वाला है और आप उसकी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव को अपने हाथ के बराबर लंबा सफ़ेद सूत का धागा भेंट करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर में हर तरह के मांगलिक कार्यक्रम सफल होंगे। अगर आप अपने कार्यों की सफलता को लेकर बहुत ज़्यादा घबराते हैं, या जब तक आपका काम बन न जाए तब तक आपको एक टेंशन सी बनी रहती है, तो आज के दिन आपको माता से आशीर्वाद के रूप में 1 मुट्ठी चावल प्राप्त करने चाहिए और उन्हें एक सफ़ेद रंग की सूत के कपड़े की बनी यानी कॉटन की पोटली में बांधकर अपने पास रखना चाहिए, मतलब सूती कपड़े की पोटली व्हाइट कलर की। आज के दिन ऐसा करने से काम को लेकर आपकी घबराहट या टेंशन दूर होगी, साथ ही आपको अपने अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा।
अगर आप अपने कॉन्फिडेंस से सबका दिल जीत लेना चाहते हैं तो आज के दिन आपको चंद्रमा की रोशनी में चंद्रमा के इस यंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम शांग शीं शौं सह चंद्रमा से नमः। आज के दिन ऐसा करने से आप अपने कॉन्फिडेंस से सबका दिल जीत पाएंगे। अगर बिजनेस के क्षेत्र में आप अपनी पद प्रतिष्ठा बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन शाम के समय आपको चंद्रदेव को अर्घ देना चाहिए और अर्घ देते समय में चंद्रमा के इस मंत्र का जप करना चाहिए। सोम सोमाय नमः, सोम सोमाय नमः, एक ओ की मात्रा है, डबल नहीं है, सौंग नहीं है, सो सोम सोमाय नमः। आज के दिन ऐसा करने से बिजनेस के क्षेत्र में आपकी पद और प्रतिष्ठा बनी रहेगी। अगर आप अपने घर की सुख समृद्धि को बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको मंदिर में दूध का दान करना चाहिए और अपने घर के बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर की सुख समृद्धि बनी रहेगी। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों, क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है ए, बिजनेसमैन आज किसी बड़े प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजी लेने का मन बनाएंगे। बी, छात्रों को अपने सीनियर से किसी प्रैक्टिकल को पूरा करने में उनकी सहायता मिलेगी। सी, नव विवाहित दंपति आज अपने परिवारजनों के साथ धार्मिक अनुष्ठान में जाने का विचार बनाएंगे। डी, काफ़ी समय से एक ही जगह पर काम कर रहे लोगों की सैलरी में इंक्रीमेंट होगा। ई, इलेक्ट्रीशियन का कारोबार कर रहे लोगों को आज अच्छा मुनाफा होगा। एफ, पार्टनरशिप में काम कर रहे लोग आज किसी जरूरी डॉक्यूमेंट के बारे में आपसे डिस्कशन करेंगे। जी, आज किसी दोस्त के घर पर जाने का मन बना सकते हैं जहां आप खूब मस्ती करेंगे। एच, प्रॉपर्टी खरीदने का विचार बना रहे लोग आज प्रॉपर्टी डीलर से जानकारी लेंगे। आई, नर्सिंग के छात्रों को उनकी मेहनत के परिणाम अच्छे ही हासिल होंगे। जे, साहित्य जगत से जुड़े लोगों को उनके किसी कार्य के लिए सम्मानित किया जाएगा। के, व्यापार के क्षेत्र में आज कुछ बुद्धिमान लोगों से आपकी मुलाकात होगी। एल, आपके काम से बॉस खुश होंगे, इनाम के तौर पर आपको कोई गिफ्ट वाउचर मिल सकता है। एम, आज आपको पहली प्राथमिकता अपने कार्य को देनी चाहिए। एन, आज आप परिवार वालों के साथ किसी ट्रिप पर जाने का प्लान बनाएंगे। ओ, डॉक्टर्स के लिए आज का दिन ऊर्जावान रहेगा, आज सीनियर डॉक्टर से महत्वपूर्ण बात सीखेंगे। पी, किसी को दिए हुए रुपए आपको वापस मिलेंगे जिससे आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी। क्यू, इंजीनियर्स आज किसी अधूरे टारगेट को समय रहते ही पूरा कर लेंगे। आर, आज का दिन बेहतरीन रहेगा, कारोबार में तरक्की होने के योग बन रहे हैं। एस, बाहर रहकर जॉब कर रहे लोगों को आज अपने परिवार वालों से मिलने का मौका मिलेगा। टी, स्वास्थ्य संबंधित समस्या से आज आप खुद को बेहतर महसूस करेंगे। यू, कॉस्मेटिक के कारोबारियों के प्रोडक्ट की अच्छी सेल होगी जिससे आपका काम अच्छा चलेगा। वी, आज संगीत में रुझान वाले कलाकारों को ऑफर मिल सकता है, करियर की अच्छी शुरुआत भी कर सकते हैं। डब्ल्यू, घर के बुजुर्गों को समय से दवाइयां दीजिए, उनकी सेहत का ध्यान रखने की जरूरत है। एक्स, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को की मेहनत जल्द ही रंग लाएगी। वाई, शिक्षकों के ट्रांसफर में आ रही रुकावटें आज खत्म होंगी, ट्रांसफर आपके क्षेत्र में होगा। जेड, आज आपने कार्य करने के तरीके, आप अपने काम करने के तरीके को बदलेंगे जिससे आपको काम करने में आसानी होगी। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं जम्मू, यहाँ स्थित है भगवान शिव को समर्पित प्राचीन शिव खोड़ी धाम। शिव खोड़ी धाम वास्तव में एक प्राचीन गुफा है जिसे भगवान शिव का मंदिर कहा, जिसमें भगवान शिव का मंदिर बना हुआ है। मान्यता है कि ये वही स्थान है जहाँ भस्मासुर भस्म हुआ था। यहाँ भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप विराजमान है, यहाँ पूरे शिव परिवार के दर्शन होते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ 33 कोटि देवी देवताओं का वास है और आकर दर्शन करने पर स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस गुफा का एक रास्ता सीधा स्वर्ग लोक को जाता है।
यहाँ बने शिवलिंग की ऊंचाई लगभग 3.5 फुट है, तो आप भी घर बैठे कीजिए इस अद्भुत शिव खोड़ी धाम के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे आँखों के ठीक ऊपर स्थित भौहों के बारे में। आँखों की बनावट की तरह ही आँखों के ऊपर स्थित भौहों की विभिन्न आकृतियों के जरिए भी हम किसी व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। अतः आज हम सबसे पहले बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनकी भौहें आरंभ में गोलाकार ऊपर उठी हुई जबकि आखिर में बारीक और नीचे की तरफ झुकी हुई होती हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसी भौहें बहुत ही शुभ मानी जाती हैं, साथ ही अगर ये रंग में अधिक गहरी न हो तो और भी अच्छी होती हैं। ये लोग बड़े ही ज्ञानी होते हैं, इनकी सोचने की क्षमता बहुत ही अच्छी होती है, इसीलिए दूसरे लोग भी इनसे सलाह मांगने आते हैं। ये एक अच्छा और सुखी जीवन जीते हैं, साथ ही अपने कार्यों को बहुत अच्छे से पूरा करते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा आँखों के ठीक ऊपर स्थित भौहों के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 1 दिसंबर को मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। चतुर्थी तिथि में मूली का सेवन करना निषिद्ध है, ये शत्रुओं की वृद्धि कराने वाली होती है। चतुर्थी तिथि आज दोपहर बाद 3:32 तक रहेगी, उसके बाद पंचमी तिथि लग जाएगी जो कि कल शाम 5:15 तक रहेगी। पंचमी तिथि में बेल का सेवन करना निषिद्ध है, ये आपके रुतबे के लिए अच्छा नहीं होता। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पश्चिम। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज गाय को रोटी खिलाइए, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।